Guys, I'm done with my lunch and now I will show you some of the places here in Belgium. So be with me, okay? हम आज पहलगाम आए हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं संदीप भैया के साथ आज यहाँ पे बर्फ़ में रनिंग रेस करेंगे और देखता हूँ कि हम दोनों में से कौन जीतते हैं एंड जो भी हारेगा वो शाम को कुछ गिफ्ट में देना पड़ेगा। तैयार है भैया? तो चलिए आप बने रहिए। ये जहाँ तक जाएगा सबसे पहले तुम ले। ये भी उतना तक वन नहीं वन टू थ्री संदीप भैया से भागा नहीं गया और इसको मैं रात को कहूँगा मुझे ट्रीट देने के लिए डिनर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हाय गाइस, मैं आप सबको बताता हूँ कि आपको कभी पहलगाम आना हो तो सबसे बड़ी चीज़ है ट्रांसपोर्टेशन। एंड रही बात ट्रांसपोर्टेशन की, मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि आप जब श्रीनगर पहुँचते हो तो यहाँ आने के लिए दो तरीके हैं। एक तो है आपका लोकल ट्रांसपोर्ट और दूसरी जो बात है वो है आपकी टैक्सीज। तो आपको अगर अफोर्डेबल प्राइस में चलना हो या रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पहुँचना हो तो आप क्या कर सकते हो कि जब एयरपोर्ट से आप बाहर निकलते हो तो शेयर टैक्सी के लिए आपको जो है डल गेट में आना पड़ेगा। गेट से इस्लामाबाद करके एक जगह है जो पाकिस्तान में नहीं है बाय द वे, वो अपने इंडिया में ही है। हाँ, इस्लामाबाद करके एक जगह है, आपको वहाँ आना है एंड वहाँ से आपको फिर से आपको शटल जो है टैक्सी जो है वो शेयर टैक्सी वो आपको चेंज करनी है। एंड आपको अगर कंफर्टेबली यहाँ पहुँचना हो तो मैं आपको ये भी बताऊँ कि आपको टैक्सी जो है TRC है जो श्रीनगर का बस स्टैंड है वहाँ से आपको बहुत सारे टैक्सीज मिल जाएंगे जो आपको आप हायर करके आप यहाँ आराम से पहुँच सकते हो। गाइस, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आपकी शेयर टैक्सीज है वो आपको पड़ेगा मुश्किल से मुश्किल, अगर आप पहलगाम तक श्रीनगर से पहलगाम तक आते हो तो 500 रुपये के करीब। एंड अब जब पहलगाम पहुंचोगे तो आपको यहाँ बहुत सारे एकोमोडेशन मिल जाएगी। तो खैर आप अपने खुद से ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो आप कौन सी रेट के रूम्स में रहना चाहोगे। तो मैं भी इस जगह का थोड़ा सा मज़ा लेता हूँ एंड बीच बीच में मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा ताकि आप लोगों को कल को यहाँ आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मेरे साथ जरूर बना रही है। गाइस, यहाँ पे हड्डी है, मैं भी मरने के बाद ऐसे ही दिखूंगा, हे भगवान। गाइस, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग हुई है, शाहरुख खान से लेके 90s 60s की भी। और ये जो आप मेरे हाथ जहाँ पे पड़े हैं, यहाँ जो आप देख रहे हैं, इस कॉटेज में बॉबी फिल्म की शूटिंग हुई थी। जो गाइस, लाइक आई डिड लास्ट टाइम इन गुलमर्ग, कि मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूँ कि जो लोकल्स होते हैं दैट इज़ मोर ऑथेंटिक देन आई शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ए स्पेसिफिक प्लेस, बिकॉज उनको ऑब्वियसली यहाँ पे बोर्न इन ब्रोटअप है तो दे हैव मोर नॉलेज अबाउट द प्लेस। सो आई हैव जावेद सर हियर विद मी टुडे एंड मैं उनसे चाहूँगा कि वो कुछ यहाँ के बारे में बताए ताकि जब लोग टूरिस्ट आना चाहे तो
वो यहाँ आके क्या क्या कर सकते हैं सर, आप कुछ बता दीजिए। हाँ, एक्चुअली पहलगाम, ये जो है पहलगाम, इसका नाम शेफर्ड्स वैली, ये तो 95 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर जी। तो इसमें मेरी जॉब, आप कन्वेंस ले सकते हैं, प्राइवेट टैक्सीज ले सकते हैं, तो एक दो घंटे का सफ़र है श्रीनगर से ही पहलगाम आने तक के लिए। तो यहाँ पे होटल्स, अच्छे खासे होटल फैसिलिटी हैं, JKTTC की हट्स हैं, तो उनसे उनका मतलब अकोमोडेशन अच्छी खासी है, डबल बेड की भी है अच्छी खासी, 3,000-4,000 की उनका पर डे रूम रेंट है। ओके, तो उसे आप एंजॉय कर सकते हैं। मई जून जुलाई जो है बेस्ट सीज़न है यहाँ आने के लिए। ओके, तो उस हिसाब से बाकी यहाँ साइड सीन के लिए चंद्रमारी है और 12 किलोमीटर फ्रॉम दिस प्लेस, और आड़ू है वहाँ से अच्छा खासा ट्रैकिंग स्पॉट है, और वहाँ तारसर लेक है, तो वो भी मेरे ख्याल से वो 70,000 की हाइट पे है। ओके, तो वो भी एंजॉय कर सकते ट्रैकिंग के लिए। बाईसरन है, ओपन मीडो वहाँ पे है, अच्छी खासी जो भी है फिल्म जो भी है मूवीज़ का शूटिंग यहाँ पे होती है, शूटिंग काफ़ी भी एक्चुअली बहुत सारी काफ़ी होती है। तो यही सीज़न है कि मई जून जुलाई के अगस्त तक ये दो चार महीने हैं बेस्ट यहाँ आने के लिए जी। तो एवरेज साइड ग्रीनरी होती है यहाँ पे। ओके, तो बहुत अच्छा इन्जॉय करेंगे। सर, मैं आपसे ये एक बात पूछना चाहूँगा कि हमें पता है कि बींग ए टूरिस्ट है ना, आना हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम नहीं आया हूँ जी जी, बट बाकी लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये डाउट्स रहता है कि अगर पहलगाम या स्पेसिफिकली श्रीनगर बोले तो लोग डरते हैं आने से। नहीं सर, वो सवाल ही नहीं, वो तो ये था एक्चुअली कुछ था, डर था यहाँ पे 90s में, लेकिन अब तो नॉर्मल सी है, कोई नहीं। और दूसरी बात है कि यहाँ पे कभी हो जाता है कुपवारा साइड से या दूसरे डिस्ट्रिक्ट साइड से, तो वो मीडिया उसमें ज़्यादा हाईलाइट करता है, तो उतना नहीं है, नॉर्मल सी है। यू कैन एंजॉय, आपने खुद देखा होगा, आपने खुद देखा होगा कहीं पर कुछ नहीं है, नॉर्मल सी है। तो टूरिस्ट तो आते रहते हैं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप ये बीइंग अ लोकल, आप ये कहना चाहोगे कि टूरिस्ट पहलगाम आने में बिल्कुल भी और कुछ बातें जो आप, जो शायद टूरिस्ट को ना पता हो, जो आप उनको के साथ शेयर करना चाहोगे? मतलब कि सब ये कि हाँ, टूरिस्ट स्पॉट है अच्छा खासा, हम थ्रॉट वर्ल्ड ये फेमस है पहलगाम। ओके, तो एवरीथिंग, एवरी फैसिलिटी इज देयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सी है। कभी भी आ जाएगा, विंटर में भी आ जाएगा, आप स्नो का एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ हम विंटर में 4-5 होटल्स जो हैं उनके यहाँ हीटिंग सिस्टम भी है जी, तो आ सकते हैं, वो मसला कोई नहीं है। तो यहाँ आपके यहाँ भी 4 सीज़न होते हैं ना? यस बिल्कुल, एग्जैक्टली 4 सीज़न होते हैं, और तो अपना अपना, हर एक सीज़न का अपना अपना मज़ा है। अच्छा, हाँ, हर एक सीज़न का अपना मज़ा। तो आप ये रेकमेंड करोगे कि कोई आना चाहे तो 4 सीज़न नहीं देख के जाए? देख के जाए, एग्जैक्टली। गाइस, मैं आपको आप ये बताता हूँ कि आप जैसे इन खूबसूरत वादियों को देखना हो तो आपके जो प्राइवेट टैक्सी होते हैं दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 3,500 से 3,500 के करीब। और अगर आप ओवरनाइट स्टे करवाते हो और अगले दिन आपको जाना हो तो वो उसमें आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, विच विल कॉस्ट यू अराउंड 5,000 to 5,500 के करीब। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। गाइज, ये है व्यू, एंड आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूँ, आपको तो बहुत पॉपुलर मूवी बजरंगी भाईजान वो तो याद ही होगा, एंड वो ये वही जगह है जहाँ पे इसकी शूटिंग हुई थी। मैं आपको आगे तरफ दिखाता हूँ। तो गाइज, ये बताया जाता है ये जो दरगाह है बेसिकली जहाँ पे आपका बजरंगी भाईजान शूटिंग हुई थी, एंड दे आर टेलिंग अस दैट यहाँ पे सैयद ज़ैदुद्दीन उसका मकबरा है, एंड उसी की याद में ये दरगाह को बनाया गया है, एंड कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी कैब है। सो लेट्स सी इफ वी कैन गेट अ चांस टू सी दैट कैब।